प्यार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, मुझे ये फोन तोड़ना है ताकि वो दोबारा कॉल ना कर सके। जा रही हूँ अब मैं, गलती की यहाँ वापस आकर। दोबारा ऐसे बगैर बताए कहीं नहीं जाइएगा। फिकर थी तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं होगी। अब ये नया ड्रामा क्या रचाया हुआ है आप? क्या है ये सब कुछ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और ना ही तुम्हें रात भर बैठ के देखना चाहती हूँ। अब इस उम्र में हमें ये चीजें जेब नहीं देती। मतलब? मतलब हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमारे नसीब में नहीं है ये खोना। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई थी, नहला दिया मुझे कीचड़ में। अब मेरे कपड़े कीचड़ में खराब हो गए, लिहाजा अब आप मेरे कपड़े धोएंगी। हाँ, टेबल तो बहुत अच्छी सजाई है, लेकिन मेरी प्लेट कहाँ है? पता नहीं, मैंने सिर्फ अपने लिए निकाला है। और मेरे लिए? वहां पर रखा है, जाओ और निकाल लो। मेरे कपड़े सूख गए हैं, मैं जरा चेंज कर लूं। मैं तो अपना खाना खा चुकी हूँ मुराद, तुम खा लो बैठकर, ठीक है? पानी गर्म है, जाके नहा सकती हो। नहीं, यहाँ बहुत सर्दी है। देखना जरा, किसकी कॉल है? ये उसकी कॉल है जिससे मुझे नफरत है। उसे मालूम है ना कि तुम मेरे साथ हो, फिर भी वो कॉल कर रहा है। वो इतने यकीन से कॉल क्यों कर रहा है बताओ मुझे। कौन है मेरे? वही जो हमारे ऑफिस में है। है आप तो बताओ मुझे। एमरे टूल का दोस्त। तो वो सब मजाक नहीं था? बिल्कुल नहीं। तुम साटे छोड़ दोगी, एमरे के साथ काम करो, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ओह, तुमने काम तो किया है ना उसके साथ? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? जवाब चाहिए मुझे इस बात का। बिल्कुल। मना किया था ना मैंने तुम्हें? हाँ, मना किया था ना मैंने? हाँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुमने उसके साथ मिलके ये सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमने अपना बदला लेने के लिए उस एमरे को अपने साथ मिला लिया। मुझे तकलीफ देने के लिए तुम उसके साथ काम करोगी? हाँ, कैसे?
ऐसे खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? मैंने ठीक फैसला लिया है मुराद, मैं साटे में नहीं रह सकती। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों? मैं बात नहीं करना चाहती तुमसे, मुझे डर लग रहा है। मुझ पर चिल्लाओ मत। जा रही हूँ मैं। बात सुनो मेरी, क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? क्या उसने तुमसे इस बारे में कुछ कहा है? हयात, आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसने तुमसे इस बारे में कोई बात की है? कुछ तो है ना। अच्छा, तो इसलिए तुम उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे सामने उससे बात नहीं करना चाहती? हाँ, मुझसे प्लीज आराम से बात करो। दोबारा गई, अब मैसेज कर रहा है वो तुम्हें? मुराद, एक मिनट रुको हयात, उसके लिए आई एम सॉरी जो कुछ मैंने किया, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम चाहो तो हम साथ काम नहीं करते, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो। मैं नहीं जानती थी मुराद, मैं नहीं जानती थी, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मुराद, मुराद तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? मुराद, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं, रुक जाओ, कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है मुराद। अब कैसा डर? एक बात सुन लो, अगर ये सब कुछ सच हुआ तो एमरे मेरे हाथों से नहीं बचेगा, देख लेना तुम। I'm so sorry, मुराद, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, मैं माफी मांगती हूँ। सब बर्बाद कर दिया तुमने। लेकिन मैं तुम दोनों का रिश्ता भी बनने नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लो ये बात। कितना रोका था तुम्हें, कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तुम्हें उस गलती की सजा मिलेगी। Thank you.
हयात। आंखें खोलो हयात, आंखें खोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ हयात, 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 हयात। हयात, हयात, तुम जानती हो उस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। हयात, मैं हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हयात। होश में होश में आओ हयात, प्लीज होश में आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा हयात, होश में आओ हयात, 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 मुझे माफ कर दो प्लीज हयात, हयात, हाँ आंखें खुलो हयात, हयात, हाँ हाँ सांस लो, हाँ जोर जोर से सांस लो हयात, सांस सांस लो प्लीज हयात, प्लीज हयात, शुक्र शुक्र है होश आ गया तुम हयात, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं भी। मुझे नहीं छोड़ना। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ रहेंगे दोनों हमेशा। हाँ बिल्कुल। अमरे सर रुकिए, आप यहाँ नहीं आ सकते, बाहर चलिए, मुझे छोटा सा काम निपटाना है। ठीक है, तो मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ से कुछ चुराऊंगा नहीं, बेहतर होगा जाकर अपना काम करो तुम। लेकिन मुराद सर। यार मैं जानता हूँ, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिक्र ना करो, कुछ ही देर की बात है। शुक्रिया। जरा मेरी तरफ देखना। अब क्या किया इसने? ये शख्स मुझे कंपनी के दरवाजे पे भी नजर ना आए। ये कैंडी का पीस खा रहे हैं, शायद गुस्सा कम हो जाए। किस बात का इंतजार है, खा लीजिए। टूल मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम। Boss? मुझे पता है तुम संभाल लोगी, कर सकती हो। हयात तुम मेरे साथ आओ। कहां हो तुम मुराद सर सलमाज? खुशखबरी देनी है मुझे। इन पे धुएं का असर ज्यादा हुआ है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हमने ऑक्सीजन लगा दी है। इनको बेड पे शिफ्ट कर दें। मैं खुद उठ जाऊंगी। सर आप बाहर चले जाएं। मैं रहूंगा इसके साथ। सर अलाउ नहीं है। मैं इसके पास रुकूंगा। मैं उठाती हूँ आपको। मैं खुद उठ जाऊंगी, सुना नहीं तुमने? हयात, हयात।
कोई सीरियस बात तो नहीं है? हम देख रहे हैं, आप हौसला रखें। क्या इनका ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करो। ब्लड प्रेशर कितना है? 83/34। बहुत कम है, जल्दी से कैनोला लगाओ। पहले कभी बीमार हुई है ये? इनका सर कहीं टकराया था क्या? हाँ, ये गिरी तो थी, लेकिन सर टकराया कि नहीं मुझे नहीं। इनका एक्सरे कराना होगा, इनको आप बाहर ले जाएं। सर मेहरबानी होगी, तो दो मिनट रुके, मैं चला जाऊंगा। आप यहाँ नहीं रुक सकते, हमें अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, मुझे यहाँ खड़ा रहने दें। प्लीज सर, आप यहाँ से बाहर आ जाएं। हाँ तो नहीं जाऊंगा मैं, हद होती है किसी बात। चलिए ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। मैं आपकी कैफियत समझता हूँ, लेकिन अब ये खतरे से बाहर हैं। अगर आप यहाँ रुके तो हमें काम में मुश्किल होगी, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है। फिर से वही कहानी मेरे सामने आई है। हाँ, जब मैं पहाड़ों पर था तो मैंने सोचा कि तुम ठीक कहती हो। अब इस उम्र में हमें ये चीजें जेब नहीं देती। मतलब? मतलब हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। उसने तुम्हें कभी नहीं चाहा, वो फिर छोड़ गया। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आपके हाथ पर तो चोट लगी है। कैसी है डॉक्टर साहब वो? एक्सरे में तो ऐसी कोई खतरे की बात नहीं, फिर भी उन्हें सुबह तक यहीं रखना होगा। शुक्र है, मैं मिल सकता हूँ उससे? पहले इस पर पट्टी करवाएं। ठीक है। टूवल मैडम, मसला हो गया, एमरे सर ऑफिस में घुस गए, मैंने उन्हें रोका, नहीं रुके, मुराद साहब के रूम में चले गए, कहते हैं 5 मिनट का काम है, लेकिन 1 घंटा हो गया, मुराद साहब फोन नहीं उठा रहा है। जरूर कोई गड़बड़ करने आया है, वो अंदर कर क्या रहा है? ठीक है, मैं खुद देख लेती हूँ। नीचे करो अपनी टांगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुराद के कमरे में आने की? बहुत बुरा कर रहे हो अपने लिए। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, उठो तुम यहाँ से, ये मुराद का ऑफिस है, गेट आउट। बहुत नायाब टेबल है ये, जैसे तुम्हारे मिस्टर मुराद हैं। रियली, अब तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, दिमाग उलट गया है तुम्हारा, तुम्हें इलाज के लिए पागल खाने जाना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ, तुम गलत कर रहे हो। गलत कर रहा हूँ? अरे मैं तो डर गया, बताओ मैं कहाँ भागूं? एम्रे, अब वार्निंग दे रही हूँ मैं, इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं कर लूंगी मुराद को डील। ख्वामखा क्यों डील करोगी तुम उसे? मैं चाहता हूँ मुराद वहां से आए और हम दोनों का आमना सामना हो। कैसा आमना सामना? एक मैसेज किया था मैंने। कैसा मैसेज? एक मोहब्बत भरा मैसेज। क्या कर दिया तुमने? तुम नहीं जानते मुराद तुम्हारा क्या हाल करेगा। किस्सा तो मुराद का खत्म होगा। एमरे देखो, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तुम्हारी औकात में रखना चाहिए था।
टूअल, जुबान संभाल के बात करो, ऐसे अल्फाज मत कहो जिससे पछतावा हो तुम्हें, और तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि कौन हूं मैं। तुम्हें अभी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, बेहतर होगा कि चले जाओ यहां से वरना मार दूंगी तुम्हें। साठे को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं, समझे? रिलैक्स रिलैक्स बेबी रिलैक्स। ओके मैं जा रहा हूं और बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। हाँ देखो, मैं तुम्हारा वही मुराद हूं जिसने कहा था कि वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारा हाथ छोड़ के चला गया था। अब वो वादा करता है कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। कल रात मैं बहुत डर गया था यार, मैं डर गया था उस वक्त से। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर ना चली जाओ। बोलो टूअल। हेलो बेबी, शुक्र है तुमने फोन उठाया। मुराद है वहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ मसले हो गए हैं। असल में मसला तो मुझे है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मैसेज वाली बात का पता चला है। और सिर्फ यही नहीं, मैं कल रात मरने वाली थी। क्या क्या हो गया हयात? मेरा झगड़ा हो गया था मुराद से और घर में आग भी लग गई थी, लंबी कहानी। पर अब तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। क्या बताऊं टूअल, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। अगर वो आग ना लगती तो मैं वकील से बात कर रही होती, अभी मेरी शादी खत्म हो गई होती। हत्ता के आसमान भी माफ कर देता मुझे, लेकिन मुराद के रवैये से लग रहा था कि वो नहीं करता। ओके, इतना बड़ा हादसा हुआ है और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन ये हुआ कैसे? वो बहुत गुस्से में आ गया था टूअल, बोल रहा था वो एमरे का कत्ल कर देगा। हाँ मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। क्या उसका गुस्सा खत्म हुआ? नहीं तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी टूअल कि उसका गुस्सा ठंडा रहे। मैं अपनी कंडीशन का फायदा उठाऊंगी। ठीक है ठीक है, तुम ये सब कुछ संभाल लेना प्यार से, ठीक है बेबी? अच्छा तुम क्या कह रही थी? उम्मीद है कि अब कोई बड़ा इशू ना हुआ हो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। नो व्हाट, नहीं बेबी कुछ भी नहीं, मुझे तो बस वो मुराद से बस यूं ही बात करनी थी। बेहतर होगा कि तुम अभी उसे कुछ बताना मत, ठीक है? और बेहतर होगा कि तुम आज मुराद को साठे से दूर ही रखो, तब तक मैं एमरे वाला मसला संभाल लूंगी। एमरे? इसका एमरे से क्या लेना देना? मैं तो बस कह रही थी।
टूअल, टूअल तुम सुन रही हो? हेलो मिस टूअल। करीब आओ, तुमसे कुछ बात करनी है, आओ जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या हुआ, फिर सो गई थी क्या? तबीयत ठीक नहीं लग रही, सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुराद, मुझे बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। डॉक्टर ने तो कहा है तुम घर जा सकती हो। चलो ये खा लो जल्दी से, फिर चलते हैं बाहर। क्या मतलब बाहर चलते हैं? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्यों ना हम लोग कुछ दिन और यहीं पर रुक जाते हैं, जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो सांस नहीं आ रही जनाब? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लगता है धुआं फेफड़ों में चला गया है, तभी तो सांस नहीं आ रही है मुझे। ऑक्सीजन मास निकला हुआ है इसलिए तुम्हें सांस नहीं आ रही। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस मास्क से तंग आ गई हूँ वैसे भी। मुराद, तुम दादाजी और अम्मी को नहीं बताओगे ठीक है? मैं मौत के मुंह से निकली हूँ, ये छोटी बात नहीं है। मैंने कहा ना ऐसी बातें मत करो बार बार। हाँ मगर जो हुआ वो एक ख्वाब था, भूल जाओ उसे तुम, अब सिर्फ तुम अच्छा सोचोगी। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद हमें निकलना है। मुझे तो अब जलन होने लगी है। किससे? हयात से, क्योंकि उसकी जिंदगी में हर बार कुछ नया होता है, हर बार कुछ मुख्तलिफ। वो कितनी भी गलतियां कर ले मुराद इसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और यहाँ हमें देखो। मुराद हयात की हर बात भी तो सुनता है, और हमारे वाले हमारी बात ही नहीं सुनते। लड़कियों, ये क्या कर रही हो तुम लोग? लड़कों से बातें कर रही हो बालकोनी में खड़े होके? लड़कों से, और वो भी हम दोनों? रहने दे मैंने आंटी, आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता, बालकोनी में पैरों के निशान किसके हैं फिर? हाँ पैरों के निशान, शुक्र करो वो निशान मैंने देख लिए, अगर दादा देख लेते तो क्या होता? तुम्हें बिल्कुल भी डर खौफ नहीं है किसी का? लेकिन एमएनए आंटी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आखिर आप किन लड़कों की बात कर रही हैं? हाँ, और रह गए करीम और दुरुक, तो वो तो इतनी सर्दी में कभी यहाँ नहीं आएंगे, और अगर मुराद होता तो वो तो दौड़ा दौड़ा आ जाता। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर वहाँ पैरों के निशान किसके हैं? हाँ क्या हो गया इन लड़कियों को, कुछ समझ नहीं आता। आंटी सही कह रही है, निशान तो है, चलो आओ देखते हैं। अरे यार एपिक, आखिर कौन आया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी जासूसी कर रहा? असली जरूर यहाँ पर कोई आया था। या अल्लाह रहम कर हम पर, बस अब इसी की कमी रह गई थी। चैन से मत जीने देना तुम लोग हमें, ये पकड़ो और शुरू हो जाओ दोनों, ये पूरी बालकोनी धोनी पड़ेगी, ये तुम लोगों की सजा है। एमने आंटी सफाई तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि यहाँ कौन आया था। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, ये साफ चाहिए। एमने आंटी यहाँ सर्दी बहुत है। गुड मॉर्निंग। हमारे लिए तो गुड है, तुम्हारे लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। ये तो बात किस तरह कर रहे हो मुझसे? मैं तो ऐसे ही करूंगा। हाँ क्या कर लोगे? हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर जा सकते हो यहाँ से। जरा बताओगे? हाँ ऑर्डर किसने दिए हैं? मैंने दिया है ये ऑर्डर। मुराद से मिलना है मुझे। इसी की तो इजाजत नहीं है, और मुराद भी नहीं है।
तो फिर मैं टूवल से मिल लेता हूँ। चलो चलो बाहर जाओ यहाँ से। आ गए टूवल से मिलने। चलो यहाँ से। याद रखना तुम पछताओगे। अरे जाओ, धमकियां देता है, कहता है मैं पछताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने एटीट्यूड की मैं माफी चाहता हूँ। हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक हफ्ते बाद चेकअप के लिए लाना होगा। उनका ख्याल रखिएगा। पूरा ख्याल रखूंगा, शुक्रिया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? क्यों अंकल, क्या हो गया? मुराद नाम है। वो तो तुमने मेरे जैसे कपड़े पहने, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत से ड्रेस हैं। कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरी लड़ाई हुई है जीएफ से। अच्छा, गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी? देखें उसने ये क्या किया। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हुआ ये के पहले वो लड़ी और उसने काट भी लिया मुझे। ये जरा सूज गया था और परेशान होके अम्मी हॉस्पिटल ले आई। काटती है वो भी, काटती है मेरी वाली भी, काटती है मुझे। लेकिन उसने काटा क्यों? अंकल दरख्त तो ग्रीन होते हैं ना। बिल्कुल। पेंटिंग कर रहे थे हम दोनों, मैंने कहा फिर भी रेड पेंट किया उसने। लड़कियां जिद्दी होती हैं। लेकिन उसकी स्माइल बहुत अच्छी है और मैंने उससे कहा उसके गाल बहुत प्यारे हैं। क्या वाकई? मेरी वाली के भी गाल बहुत खूबसूरत है। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हयात। ओह, अब मुझे लगता तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, नाम भी एक जैसे है। अंकल मैं मजाक नहीं कर रहा। जूस? हाँ थैंक यू। मुझे बहुत दुख हुआ उसकी हरकत से। सच कह रहे हो, तकलीफ होती है, बड़े हो जाओगे तो ज्यादा होगी। पियो। इसने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग तो आपस में बातें कर रहे थे। ओके चले बेटा आ जाएं। यार लफ्जों में कहा। मुराद सर, आपको अभी ऑफिस आना पड़ेगा, यहाँ एक वकील आया है और शेयर्स का कुछ कह रहा है वो। या अल्लाह मैं मर गई, हाय मेरी बच्ची, या अल्लाह हाय मेरी हयात, हयात को क्या हो गया? हयात, हयात। ए मैंने आपा। देखिए वकील साहब, इस डील के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन दुरुक साहब, मेहरबानी होगी पुरानी बातें मत दोहराइए, मेरे बाबा कोई चीज नहीं बेच सकते। देखो